अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिज़वी किचन। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ मी फरहीन एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर शबे बरात स्पेशल चने की दाल का हलवा। शबे बरात द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस एंड फॉर्च्यून एंड आल्सो अ बर्थडे ऑफ आर आखिरी इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इस बेहद ही खुशी के मौके पर मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल रेसिपी एंड Before watching, don't forget to like, share and subscribe my channel. You can also follow me on Facebook and Instagram. Links are given in description box. So, let's get started. सबसे पहले मैंने 2 कप चने की दाल 5 से 6 घंटे के लिए सोक की है, जिसे स्ट्रेन करके अब मैं ऐड कर रही हूँ एक कढ़ाई में। सो ओवरनाइट ना करें, बहुत ज़्यादा हमें सोक नहीं करना है, जस्ट 5 से 6 घंटा। एंड नाउ मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क, क्योंकि हमें इसे मिल्क में बॉईल करना है। सो 2 कप मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिल्क में इसे नहीं कुक करना है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लम्सी सी हो जाएगी। तो इसे हमें जस्ट इतना रखना है कि दाल बस इसमें अच्छे से सोक हो जाए। सो 2 कप चने की दाल है एंड 2 कप मिल्क। इसे हम एक बॉयल आने देंगे और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। देखें, सो ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और देखें दाल जो है वो अच्छे से गल गई है, टूटे भी ना, बट अच्छे से ये इस तरीके से कुक हो जाए। दैट्स इट, इसे हम ठंडा करेंगे और फाइनली इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से। देखें, तो हमें बाद में इसमें कुछ भी ऐड करके ब्लेंड नहीं करना है, इसे ड्राई ही ग्राइंड करना है। नाउ एक पैन में ऐड किया है मैंने 1 कप देसी घी। आप चाहें तो नॉर्मल डालडा घी में भी बना सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे ये चने की दाल। देखें, तो ये देखें बहुत ही अच्छे से ड्राई ग्राइंड की है, बहुत ज़्यादा हमने ब्लेंड नहीं की है, क्योंकि मैं जो चने की दाल का हलवा बना रही हूँ वो कतली वाला बना रही हूँ, पीसेस बर्फी की तरह। तो उसके लिए हमें इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं पीसना है। अब मेन स्टेप, इसे हमें ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। थोड़ी सी ये ब्राउन कलर में आ जाएगी, इसका जो एरोमा है, जो फ्रेग्रेंस है, वो और इन्हेंस होगा। तो देखें, अच्छे से हमें इसे इस तरीके से मिक्स करना है और फिर अच्छे से भून लेना है। आप जितना ज़्यादा इसे भूनेंगे उतनी ही ये सोंधी सी और बहुत ही अच्छी सी कतली बनेगी। देखें, तो बस कंटिन्यूसली इसे बीच बीच में चलाते रहना है। देखें, ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके हैं और देखें इसका कलर भी थोड़ा चेंज हुआ है और ये अच्छे से भुन चुकी है। बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लगती है जब ये परफेक्टली भुन जाएगी। नाउ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर एंड 1 कप शुगर। सो मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। और अब हमें इसे शुगर के साथ भी भूनना है सो दैट शुगर अच्छे से रिजॉल्व हो जाए। और अभी ये थोड़ा सा गीला होगा क्योंकि शुगर मेल्ट होगी, तो इसलिए इसे हमें अच्छे से भूनते रहना है। अच्छा, अब अगर आप इसे बिल्कुल गीला हलवे की तरह बनाते हैं तो आप शुगर सिरप बनाकर ऐड करें। अब हम ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। एक पैन में ऐड किया मैंने थोड़ा सा घी। मैं यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट्स में डाल रही हूँ कैशिव्स एंड आमंड्स, आप अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और देखिए हलवा भी शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है हलवे में। मैं बता रही थी शुगर सिरप, तो अगर आपको थोड़ा गीला जैसे मूंग दाल हलवा होता है उस कंसिस्टेंसी में बनाना है तो आप शुगर सिरप ऐड करें, ना कि शुगर। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सूखा वाला कतली वाला बना रही हूँ तो मैंने डायरेक्टली शुगर ऐड की है। अब थोड़ा सा इसका कलर इन्हांस करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून अराउंड। इससे जो हलवे का कलर है वो और ज़्यादा इन्हांस होगा, क्योंकि जैसे दाल का कलर आप देख रहे हो वो लाइट है येलोइश में, बट ये थोड़ा सा ऑरेंज ब्राउन कलर का अच्छा लगता है देखने में।
सो कलर के साथ भी इसे हम और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और अगर आप शुगर सिरप ऐड कर रहे हैं तो शुगर सिरप में ही थोड़ा सा कलर ऐड करके इसमें मिक्स कर दें। देखें, सो देखें कलर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। नाउ हम ऐड कर देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स और इसे हम थोड़ा और अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो बेसिकली इसमें भूनना इज द मेन स्टेप। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे 1.5 घंटा लगा है ये हलवा बनाने में, बट जब आप एफर्ट्स करोगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और शबे बारात स्पेशल ये हलवा स्पेशली साल में एक बार ही हम बनाते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। अब हम इसे कतली में कट करेंगे। तो हमने इसे एक बटर पेपर पे रख लिया है। आप चाहें तो कोई भी प्लेट ग्रीस करके उसके ऊपर इसे डालें और इस तरह से इसे इवनली टैप करना है। एंड मेक श्योर गरम में ही आपको ये स्टेप करना है, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा। कोई भी चम्मच या स्पैचुला से इस तरह से करें क्योंकि इट्स रियली हॉट। और देखें इवनली हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। देखें टैप टैप करेंगे थोड़ा सा। और अब मैं गार्निश कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स से, आमंड्स एंड कैशियस। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, इवन किशमिश भी, दैट्स योर चॉइस। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हो। सो देखें, और देखने में ये जितना खूबसूरत लग रहा है, बिलीव मी खाने में भी ये उतना ही यम्मी होता है। एंड दीज ट्रेडिशनल रेसिपीज ओकेजनली ही बनती हैं और ओकेजनली ही बनाने में उनका टेस्ट भी आता है। तो साल में एक बार ये शबे बारात स्पेशल चने की दाल का हलवा बनता है जो घर में ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है। सो इसे हम सेट होने देंगे 1/2 घंटे के लिए एटलीस्ट, एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 1/2 आवर अब मैं इसे कट करूंगी बर्फी के शेप में, लाइक डायमंड शेप में, बिल्कुल काजू कतली की तरह इस तरीके से। और देखें अच्छे से सेट हो चुका है। एज आई सेड लाइक इन द बिगिनिंग आल्सो कि मैं क्योंकि कतली वाला बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसे ड्राई रखा था। अदरवाइज आप अगर मूंग दाल हलवे की तरह इसे बनाएंगे तो शुगर सिरप के साथ आपको जस्ट इसे अच्छे से भूनते रहना है और जब ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए तो आपका हलवा रेडी हो जाएगा। बट कतली वाले में मेक श्योर ये थोड़ा सा ड्राई रहे सो दैट आप इस तरीके से इसकी कतली कट कर सकें। देखें, और ये देखने में जितना ही खूबसूरत लग रहा है, बिलीव मी ये खाने में भी उतना ही यमी होता है और घर में तो ये सभी का फेवरेट है। और ये ट्रेडिशनल रेसिपी ज़्यादातर हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, जैसे मेरी मम्मी हैं, मदर इन लॉ हैं, दोनों ही बहुत ही परफेक्ट है कुकिंग में। सो ट्राई करें ये चने की दाल का हलवा एंड ऑल्सो कॉमेंट कि ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो इन माई अर्लियर रेसिपीज़ कि ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी सो दैट हम सभी मिलकर ये अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करें। सो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।